हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त 2024 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। यही पहले अपडेट, हिमाचल में कमज़ोर पड़ा मॉनसून, 25 से फिर पकड़ेगा रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून कमज़ोर पड़ गया है। 24 अगस्त तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है और 25 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। 25 से 27 अगस्त तक बादल बरसने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। नेक्स्ट अपडेट यही, किसानों से गोबर और खाद खरीद की तैयारी, ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का किया जाएगा गठन। मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश में अलर्ट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आटा चावल की नई दरें 1 सितंबर से होगी लागू। विभाग ने DFC को जारी किया पत्र, 15 साल बाद APL आटे में प्रति किलो 2.70 और चावल के दाम 3 रुपये बढ़ाए। अभी उपभोक्ताओं को 9.30 रुपये आटा और 10 रुपये प्रति किलो मिलता है चावल। तो इसकी दरें जो हैं सितंबर में 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट, पैनारोमिक विस्टाडोम कोच में होगी एयर पावर ब्रेक, सुरक्षा बढ़ेगी। शिमला से लेकर बड़ोग तक दूसरा ट्रायल भी सफल, जल्द तैयार होगी रिपोर्ट। डिस्प्ले बोर्ड से होगी यात्रियों को आसानी, ट्रायल में आपात ब्रेक सिस्टम को जांचा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, JNB ठियोग में प्रवेश के लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो शिमला के स्कूलों में 5वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए 12 अप्रैल 2025 को PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। इसके अलावा HU में PG की प्रवेश प्रक्रिया पूरी, विभागों से मांगा गया ब्यौरा। MPH BEd में जारी रहेगी प्रक्रिया, MA फिजिकल एजुकेशन के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। एड ऑन कोर्स में प्रवेश का शेड्यूल जल्द होगा जारी। नेक्स्ट अपडेट, विद्यार्थियों के लिए करेक्शन विंडो खोले HPU AVP। इसके अलावा BTEC की खाली सीटों के लिए ओपन राउंड होगा और 24 अगस्त तक काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। ये मैं पिछले कल भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपडेट, DLED 4 दिन में भर गई सरकारी डाइट की 900 सीटें। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 31 अगस्त तक जारी किया है काउंसलिंग का शेड्यूल। 1550 सीटें निजी संस्थानों में भरी जानी हैं। अब सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए होगी काउंसलिंग। सरकारी डाइट में कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका नोटिफिकेशन मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सब कुछ उसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपकी BEd से रिलेटेड, ये भी मैं कल आपको बता चुका हूँ बट किसी ने नहीं देखा है तो फिर से मैं ये बता रहा हूँ। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी BEd काउंसलिंग 2024-25 सेशन के लिए सेकंड राउंड की जो BEd काउंसलिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया है। तो कौन कौन जा सकता है और कब जा सकता है वो आप यहाँ पे बताया गया है। कट ऑफ स्कोर 45 या 45 से इसके ऊपर है नंबर। SC ST OBC PWD कैटेगरीज तो वो यहाँ पर जा सकता है, ठीक है? दूसरा कट ऑफ स्कोर 53 एंड उसके अबव है, अदर स्टेट वाले वो भी जा सकते हैं। तीसरा कट ऑफ स्कोर 53 या 53 से ऊपर है वो भी यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ठीक? तो ये यहाँ पे अपडेट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे होगी वो वेन्यू यहाँ पे बताया है। ऑडिटोरियम Level 6 सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी HP, ठीक है? और ये फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताया गया है तो आप देख लीजिएगा। इसकी अपडेट है SPU की ये। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।